पृथ्वी जी, सर विषयों पर चर्चा हुई है। देखिए, आगामी जो त्यौहार हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि धनतेरस का त्यौहार, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद अन्य सभी त्यौहार प्रारंभ हो रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ पर झांसी प्रक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षकों की मेरे द्वारा बैठक की गई, जिसमें आज से ही यह निर्णय लिया गया है कि धनतेरस को देखते हुए सभी अधिकारी फुट पेट्रोलिंग, गश्त और जो हमारी पिकेट की व्यवस्था है उसको और मजबूत हम लोग करेंगे। इसी के साथ अवैध शराब और विस्फोटकों को लेकर के, पटाखों को लेकर के आपने कतिपय जनपदों में देखा होगा कि घटनाएं हुई हैं, उनको भी हम लोग जो हमारे अग्निशमन विभाग के लोग हैं उनकी सेवाओं को लेकर के जाते हैं। हम लोग पिछले 10 दिन से चेकिंग हम लोग करा रहे हैं और यह दिवाली के लगभग एक सप्ताह तक, आप जानते हैं कि विभिन्न अन्य त्यौहार एक के बाद एक रहते हैं, तो पुलिस अपना जाते हैं को और सक्रिय बना करके इन सभी त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मैंने निर्देश दिया। इसी के साथ साथ आप अवगत होंगे कि शिक्षक एवं ग्रेजुएट के जो चुनाव हैं उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उस चुनाव को भी लेकर के सरगर्मी विभिन्न जगहों पे जो शुरू हुई है उसको भी हम लोगों ने दिलाते हैं, मतलब कि जो उसके प्रत्याशी होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के और उसके चुनाव को लेकर के भी जो कार्य योजना हम लोगों ने जो है यहाँ तैयार की है। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से आप सभी अवगत होंगे कि पंचायत चुनाव भी शीघ्र अपना अगले 3-4 महीने में हम लोग ने अपनी तैयारियां प्रारंभ करना है, जिसमें जो विवाद जिन जिन गांव में आपने देखा होगा, कई ग्रामीण अंचल में इस तरह के विवाद प्रधान, पूर्व प्रधान या आगामी जो प्रत्याशी संभावित हैं, इस तरह के विवाद जो है प्रारंभ हो गए हैं, उनको चिन्हित करके ये निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर हमारे राजपत्रित अधिकारी त्यौहारों के बाद लगातार वहाँ भ्रमणशील रहें और जो हमारा विवाद रजिस्टर है उसमें इस तरह के सभी पहलुओं को जो है जहाँ पर इस तरह के विवाद संज्ञान में आ रहे हैं उसको अंकित करके निवादात्मक कार्रवाई करें। इसी के साथ साथ कतिपय जनपदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के मुकदमे इधर संज्ञान में आए हैं, झांसी में भी कुछ घटनाएं आई हैं, आपके ललितपुर में भी, तो हम लोगों ने ये कहा कि तत्काल जो कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, उनकी तत्काल FIR दर्ज की जाए और जो FIR दर्ज होती है उसमें तत्काल पुलिस स्तर पर कार्रवाई जो है तत्काल कर दी जाए। इसके साथ साथ जैसा आप सभी जानते हैं कि महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित किया गया है, उसमें कतिपय कुछ थानों में कमियां रही हैं, तो ये अपेक्षा की गई है जाते हैं कि हर थाने में 1-1 लाख रुपया बजट भी शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो महिला हेल्प डेस्क हर थाने में जाते हैं जो है सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए। जो भी महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरण आ रहे हैं उसमें अविलंब मुकदमा दर्ज करके जो है कार्रवाई की जाए। सर सोशल